अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे कि कंपोनेंट को स्केचअप के अंदर कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्केचअप को ओपन करते हैं और इसमें हम विंडोज में आते हैं, डिफॉल्ट ट्रे में आते हैं और हमारे पास ये कंपोनेंट है। यहाँ से आप आके कंपोनेंट को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर राइट साइड पे हमारे कंपोनेंट्स आ गए। ये हमारे पास एक 3D ऑब्जेक्ट है। तो अभी हमें क्रिएट करना है कंपोनेंट को। कंपोनेंट को हम कैसे क्रिएट करते हैं और कंपोनेंट के अंदर कैसे हम उसको सेव कर सकते हैं। अभी हम एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। हमने ये रेक्टेंगल ली और ये हमने इसको ड्रॉ कर दिया। अभी हम इसका एक ऑफसेट लेंगे और इनर ऑफसेट इतना सही रहेगा। और अब हमने पुश टूल लिया, यहाँ से हम इसको ऊपर ले गए। ये हमारे पास एक बॉक्स की शेप का एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब हमने इसको सिंपल सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद हमने इस पर राइट क्लिक किया और मेक कंपोनेंट कर दिया, क्योंकि हमें कंपोनेंट बनाना है, न्यू क्रिएट करना है। तो यहाँ पर आप डेफिनेशन में आप इसका नाम भी लिख सकते हैं। हम लाइक कर देते हैं बॉक्स। और डिस्क्रिप्शन में आप इसके साइजेस दे सकते हैं, कुछ भी डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं। और यहाँ पर हम सिंपल क्रिएट कर देते हैं। अब हमने क्रिएट कर दिया, क्योंकि हमने इसको पहले भी एक दफा क्रिएट किया हुआ, तो ये हमने इसको क्रिएट कर दिया। और सिंपल जब हम आते हैं कंपोनेंट में, तो बॉक्स ये देखें हमारे पास ये एक बॉक्स आ गया। अब हम इसको ड्रैग ड्रॉप करते हैं, ये देखिए। अब हमने इसको ड्रैग किया तो सेम एज इट इज जो हमने कंपोनेंट बनाया उसी तरह के एक और हमने दोबारा एक कॉपी पेस्ट कर दिया उसको। अब हम क्या करते हैं कि आप सिंपल अब इनके अंदर कुछ चेंजिंग्स करके देखते हैं, ठीक है। अब ये कंपोनेंट हमारे पास और ये वाला कॉपी है उसकी। हम क्या करते हैं कि सिंपल इसके फेस को सिलेक्ट करते हैं, हम एक्सट्रूड पे जाते हैं। ये हमने इसको एक्सट्रूड किया, ये देखिए जैसे हमने पहले वाले कंपोनेंट को एक्सट्रूड किया तो ये वाला भी एज इट इज वैसे ही उसमें चेंजिंग्स आ रही हैं। अब हम आपको एक विंडो बना के दिखाते हैं इस मॉडल के ऊपर, 3D मॉडल के ऊपर, और उसका एक बनाएंगे। पहले हम क्रिएट करेंगे कंपोनेंट, और उस कंपोनेंट क्रिएट करके फिर उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है वो आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम इसको अनग्रुप कर देते हैं। यहाँ पर इस वॉल पे आ जाते हैं। हमने एक रेक्टेंगल ले ली और ये एक रेक्टेंगल हमने यहाँ पे ड्रॉ कर ली। अब हमने क्या किया कि इसका एक ऑफसेट ले लिया। इसका हमने लेना है सिंपल ऑफसेट ये, और अब हम पुश टूल के जरिए से हमने इसको हल्का सा पुश कर देना है। अब ये वाला फेस हम कर देंगे डिलीट। हम जैसे डिलीट करेंगे तो ये अंदर से एम्प्टी है। अब फेस पे आ जाते हैं। फेस पे आकर हमने सेलेक्ट करना है कनेक्टेड फेसेस, और उसके बाद हमें दोबारा सेलेक्ट करना है बाउंडिंग एजेस। ये दोनों सेलेक्ट हो गए। अब हमने क्या करना है कि हमने मेक कंपोनेंट करना है, और यहाँ पर हमारे पास वो डेफिनेशन मांग रहा है। यहाँ पर हम लिख देते हैं विंडो, और नीचे आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, इसके साइज वगैरह कुछ दे सकते हैं। और ये हम कर देते हैं क्रिएट। हम जैसे क्रिएट किया तो हमारे पास कंपोनेंट के अंदर एक विंडो का न्यू कंपोनेंट जो है वो क्रिएट हो गया। तो अभी हम देखते हैं कि इसका मैजिक क्या है। अब जैसे ही हम इसको यहां से ड्रैग ड्रॉप किया, इस सर्विस पे लाते हैं विंडो को, और यहां पर हमने इसे छोड़ा, ये देखें ऑटो पे उसने क्या किया कि वही वाली चीजें जो थी उसने यहां पे इंप्लीमेंट कर दी। उसने अंदर से ऑटो पे उसको डिलीट कर दिया। ये देखें दो विंडोज लगी। फॉर एग्जांपल कि अगर आपने बहुत सी विंडोज लगानी है कहीं पे किसी सर्फेस पे, आप एक बनाए, एक विंडो को आप कंपोनेंट बनाए, और वही कंपोनेंट फिर आप कॉपी पेस्ट करते जाएंगे तो आपको अंदर से कोई भी फेस डिलीट नहीं करना पड़ेगा, दोबारा उसको बनाने की जरूरत नहीं है। अब सिंपल आपके पास ये है, आपने क्या करना है, आपने मूव टूल से अगर इसको दोबारा करते हैं, देखें हमने फिर एक कॉपी पेस्ट किया तो हमारे पास एक और कंपोनेंट था, और उसी कंपोनेंट के जरिए से हमने बहुत शॉर्ट टाइम में तीन विंडोज बना दिए हैं। आई होप कि आपको कंपोनेंट में कैसे चीजें क्रिएट करते हैं और उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मिलते हैं एक और ट्यूटोरियल के साथ। अल्लाह हाफिज़।